नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में विपक्षी पार्टियों की तुलना रूस के वैगनर ग्रुप से की है। पार्टी ने सामना में लिखा, वैगनर ग्रुप ने दिखाया है कि तानाशाही को चुनौती दी जा सकती है। पुतिन हो या मोदी, सभी को बगावत का सामना करना पड़ेगा। भारत का वैगनर ग्रुप पटना में लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए इकट्ठा हुआ था। ये नॉन वायलेंट वैगनर ग्रुप बैलेट बॉक्स के जरिए मोदी सरकार को खाड़ फेंकेगा। पुतिन की तरह मोदी भी जाएंगे, लेकिन लोकतांत्रिक रास्ते से। संपादकीय में लिखा है कि 2024 लोकसभा चुनाव का परिणाम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं बल्कि लोग तय करेंगे। अगर कोई ईवीएम घोटाला हुआ तो देश भर में मणिपुर जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। लोगों में सरकार के खिलाफ बहुत ज़्यादा गुस्सा है। सामना में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे पर भी निशाना साधा गया है। इसमें लिखा है कि भाजपा ने एकनाथ शिंदे जैसे कई लोगों को अपना रक्षक बना रखा है, कल यही लोग उन्हें धोखा देंगे। शिवसेना ने पटना में विपक्षी एकता मीटिंग में शामिल हुए नेताओं को भारत का वैगनर ग्रुप बताया है। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस मीटिंग में भाजपा के खिलाफ लोकसभा चुनाव में संयुक्त उम्मीदवार उतारने पर सहमति बनी थी। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ।